मेवात से सामने आया है मॉब लिंचिंग का एक और मामला। बड़ी खबर, गाय के नाम पर ट्रक चालक के साथ हुई मारपीट और लूटपाट। लोगों की भीड़ ने ट्रक को रुकवा कर दी वारदात को अंजाम दिया है। ट्रक ड्राइवर दिल्ली से सामान लेकर फतेहपुर की इनोवेटिव कंपनी आ रहा था, लेकिन तभी बीच रास्ते में उसके साथ मॉब लिंचिंग हुई। गाय की तस्करी के शक में ट्रक ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट हुई। तो देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अफवाहों के चलते भीड़ द्वारा लोगों को पीटने के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा मामला मेवात से है, जहां मॉब लिंचिंग का एक और मामला सामने आया है। गाय के नाम पर ट्रक चालक के साथ जमकर मारपीट हुई है, लूटपाट हुई है। लोगों की भीड़ ने ट्रक को रुकवाकर इस वारदात को अंजाम दिया है। ट्रक ड्राइवर दिल्ली से सामान लेकर फतेहपुर की इनोवेटिव कंपनी आ रहा था। दिल्ली से आ रहा तो कोटा बिसर गांव में मेरे को 10-12 आदमियों ने तो गाड़ी को रुकवाया। तो कुछ आदमी तो रोड पे लेटे हुए थे, कुछ साइड में थे। तो लेटे हुए देखकर मैं गाड़ी मजबूरन में रोकनी पड़ी। वो गाड़ी रोकते ही दोनों साइड से आगे गाड़ियों में वो मेरे को गाड़ी में से नीचे खींच लिया। गाड़ी में से नीचे खींच कर नहीं कहने लगे क्या माल भरा हुआ है इसमें। मैंने भाई इसमें माल मैंने परचून का माल भर रखा है और मैं भाई तावड़ू जाऊंगा, दिल्ली से आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं साला झूठ बोलता है, तू गाय का काम करता है और गाय में गाड़ी चलाता है, इसमें तैने गाय भर रखी है।